शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन समापन के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए दुर्गा पंडालों के समक्ष विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं शहीद संतोष पांडे के पिता देवशरण पांडे द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई। नवरात्र के अंतिम दिन समापन के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जहां प्रसाद ग्रहण कर मां का आशीर्वाद लिया, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आनंद उठाया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए शहीद संतोष पांडे के पिता देवशरण पांडे ने कहा, साथी कलाकारों की तरफ से कौन से गण बड़े प्रेम से सनी कहेगा ऐसे सनी आते चैन से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सबूत ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। भारत के गांव में दशहरा आज मना जात हुई, लेकिन यही भैया भी जरा हम हुक माने सेवा शुरुआत को चाहिए हम कि सब ही के मां ये आधुनिकता के दौर में हेलो हेलो नवरात्र के पर्व पर एक कार्यक्रम रखा गया है। ऐतिहासिक धरते जो लहू के शेषनी हुए नौजवान आज हमारे बीच में नहीं है, जो अपने देश के प्रति नाम रोशन करने का काम किए उस वीर सपूत के इस भूमि पर हम लोग आए हुए हैं। सत्सत नमन करते हैं माता रानी के चरणों में। यहाँ पर उपस्थित सम्मानी सभी हर गांव से आए हुए प्रधानगण, हर पार्टी से जुड़े सभी नेतागण और यहाँ पर उपस्थित हर दल के लोग आए हैं। सम्मानी सम्राट सभी लोगों के चरणों की धूल माइक्रोफोन द्वारा जहां तक हमारी आवाज जा रही है, हम आप सभी लोगों के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाते हुए अपने दिल की गहराइयों से हम सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करती हूं। कहना चाहती हूं कि कार्यक्रम के शुरुआत में बाबूजी श्री देवशरण पांडे जी एक पुष्प के हार और एक चुनरी के साथ वस्त्र के साथ सम्मान किए। अभी हमारे बीच में पूर्व जिला पंचायत सदस्य जो मलाव से चल करके आए हैं वो भी हमें सम्मान दिए। हमारे बीच में यहाँ के कार्यक्रम के संयोजक, कार्यक्रम के करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमको जानते हैं, पहचानते हैं, हम भी सब लोगों को पहचान रहे हैं। हम सभी लोगों को प्रणाम नमस्कार करते हुए कहना चाहूंगी, गीत के शुरुआत में आप जानते हैं कि कोई भी शुभ काम करने से पहले सभी लोग अपने इष्ट देवता का पूजा आराधना अर्चना किया करते हैं। जैसे कि बहुत प्रकार के भक्त हैं, जितना ही भक्त है उतना ही हमारी माता का नाम है, हमारी धरती पर देवी देवताओं का नाम है। चाहे लाख देवताओं का नाम हो, लाख नाम हो, लेकिन नाम अनेक हो, लेकिन सबका मालिक एक होते हैं माँ। कोई दुर्गा है, कोई काली है, कोई खप्पर वाली, कोई पहाड़ा वाली के नाम से पुकारता है। नाम अनेक है लेकिन शक्ति एक है। मैं ये कहना चाहती हूँ, बता दूं कि शुरुआती दौर में मैं एक छोटी सी वंदना पेश करने जा रही हूँ, जो भी त्रुटि होगी आप लोग क्षमा करिएगा। संगीत महाशय, आप जानते हैं कि कोई भी शुभ काम करने से पहले सभी लोग अपने इष्ट देवता का पूजा आराधना अर्चना किया करते हैं। जैसे कि बहुत प्रकार के भक्त हैं, जितना ही भक्त है उतना ही हमारी माता का नाम है, हमारी धरती पर देवी देवताओं का नाम है। चाहे लाख देवताओं का नाम हो, लाख नाम हो, लेकिन नाम अनेक हो, लेकिन सबका मालिक एक होते हैं माँ। कोई दुर्गा है, कोई काली है, कोई खप्पर वाली, कोई पहाड़ा वाली के नाम से पुकारता है। नाम अनेक है लेकिन शक्ति एक है। मैं ये कहना चाहती हूँ, बता दूं कि शुरुआती दौर में मैं एक छोटी सी वंदना पेश करने जा रही हूँ, जो भी त्रुटि होगी आप लोग क्षमा करिएगा। संगीत महाशय,
से ढल गई से मैं कुंवारी हो मैं कुंवारी आली बेली हो मैं कुंवारी आली बेली जा रही थी कहीं अकेली मैं कुंवारी हो सकेली माता रानी के दरवाजे पर जब भी आवेला केहू को छोट बड़ा राजा रंग पुजारी ना देखेली भी आवेला माई के दरवाजे पर रोवत आवेला वो हंसत अपन झोली भर के लेके जाला यही से माता रानी के बारे में दो लाइन सभी जी के लिखे के पड़ल कैसे जो शेरी पे बैठी तुम्हारा से कोई लसैया नहीं हमारे सनैया
शुभ नाम देव शरण पांडे ग्राम हरदिया। देखिए इस माता के उपलक्ष में हमने संगीत का और भंडारे का आयोजन किया है। जो भी व्यक्ति यहाँ आया है उनको माता का प्रसाद वितरित किया गया है और भंडारा चल रहा है और संगीत भी अब शुरू हो गया है। हम लोगों ने नवमी के दिन जो है माता का हवन किया। बगल में जिले की सबसे बड़ी हवन के बाद जो है जिला उनका आरती उतारा। आरती के बाद फिर हम लोगों ने भंडारे के रूप में मतलब भंडारे को संचालित किया और नियर अबाउट हम 6:30 बजे से ही भंडारा शुरू किया है और अभी तक चल रहा है और चलेगा 11-12 बजे तक।